ताहिर हुसैन मामले में धुंधली तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। कॉल डिटेल से पता चला कि 24 से 27 फरवरी को वो कहां थे, साथ ही क्राइम ब्रांच के 20 सवाल और ताहिर हुसैन का सौतेला भाई यानी कि तस्वीर अब पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। क्या हुआ, सवाल क्या है, बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। ताहिर हुसैन 24 तारीख, वो 24 तारीख जब दिल्ली में आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, पथराव हो रहा था, लोग भागते नजर आ रहे थे, बदहवास नजर आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और तब एक बिल्डिंग नजर आती है, जैसे जैसे शाम होती है वो तस्वीरें व्हाट्सएप पर और इंटरनेट पर वायरल होती है, जिसमें दिखाई देता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसमें लाल स्वेटर, महरूम स्वेटर पहने एक शख्स दिखता है जिसका नाम है ताहिर हुसैन। बस यहीं से पिक्चर घूमनी शुरू हो जाती है। ताहिर हुसैन उस दिन के बाद नजर आना बंद हो जाते हैं, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही है, 20 सवाल पूछे गए। सबसे पहले उन कुछ सवालों पर हम नजर डाल लेते हैं। 5 घंटे 20 सवाल, पूछा गया कि घटना के समय कहां थे, वीडियो में उनके साथ जो नजर आ रहे हैं वो लोग आखिर हैं कौन, बिल्डिंग में मौजूद दंगाई क्या उनके जानकार हैं, क्या वो उनके कहने और उनके उकसाने पर वहां पहुंचे थे। लेकिन ताहिर हुसैन की जुबान चुप सी नजर आई। अगला सवाल पूछा, फरार होने के बाद वो कहां रहा। यहां पर भी ताहिर हुसैन कुछ बताते नजर नहीं आए। पुलिस बार बार पूछती रही छिप कर रहे कहां, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। अगला सवाल, छिपने में उनकी आखिरकार मदद किसने की। कुछ सवालों के तो ताहिर हुसैन ने जवाब दिए, लेकिन कुछ सवालों पर वो चुप ही साधते नजर आए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कॉल डिटेल्स में सामने क्या आया है। ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो 24 से 27 फरवरी तक मुस्तफाबाद के पास ही थी। चांद बाग भी मुस्तफाबाद में ही पड़ता है। ताहिर का दावा है कि हिंसा के दौरान और बाद में वो अपनी बिल्डिंग या बिल्डिंग के आसपास की गलियों और इलाकों में रहा। 27 फरवरी के बाद उसकी लोकेशन दिल्ली के जाकिर नगर में मिली थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। और अब ये भी सामने आ रहा है कि ताहिर हुसैन का एक सौतेला भाई भी था जो इन दंगों में शामिल था, जो साजिश रच रहा था, और वो कहां है। दरअसल तभी से वो भी पूरी तरीके से फरार नजर आ रहा है। धीरे धीरे परते और भी खुलेंगी, देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या नजर आता है। लेकिन आपको बता दें कि ताहिर अपने सरेंडर से कुछ ही घंटे पहले जब सामने आए थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कौन फंसा रहा है, जरा ये आपको सुना देते हैं। आपको इस वक्त कौन है सर, भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है, जो भी रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साजिश रची गई तमाम चीज़ों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को, लेकिन ये ऊपर वाले का क्रम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुंची 7-8 बजे, उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुंची, कैसे सामान पहुंचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी मेरे गेट पे लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसकी भी उसके थ्रू भी जो है जांच की जाए। तो आपने देखा ताहिर ने क्या कहा, लेकिन जिस तरीके से 20 सवाल दागे गए, 5 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद ताहिर चुप्पी साधते नजर आए। देखना होगा आगे और क्या क्या खुलासे होंगे, क्या क्या वो बताएंगे। कुछ सवाल पर तो वो हाँ बोल गए, कुछ सवालों पर वो बोलने के लिए राजी नहीं हुए। आगे की तस्वीर और ज्यादा साफ धीरे धीरे होगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर घंटी दबाइए, क्योंकि लगातार मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।